हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि कढ़ाई पैक करना, डिस्पैच करना, इसी में लगे हैं। पर खाना तो खाना है ना, तो कुछ जैसे फटाफट बन जाए ना सब्जी, वैसी चीज़ें मैं बना रही थी। मैंने कहा चलो आपको भी एक वीडियो दिखाया जाए। देखे, आज मैं बना रही हूँ कैरेट और पत्ता गोभी का बोरियल। साउथ इंडियन है, मतलब बहुत मिनिमम मसालों से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। देखे कैसे बनती है। तो यहाँ कढ़ाई में मैं बिल्कुल मामूली सा तेल, ये देखिए कितना सा तेल है, ये 1 चम्मच तेल होगा, वो मैंने गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गाजर और ये पत्ता गोभी बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिए, थोड़े से धनिया पत्ती के साथ। आप चाहें तो इसमें खूब सारी हरी मिर्च और अदरक डालें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। पर मैं दो ही नहीं डाल रही क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाएगा वरना। सो ये तेल गर्म हो गया, मैं इसमें डाल देती हूँ राई। जैसे ही राई फूटना शुरू हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे हींग और हल्दी। तो राई होना शुरू हो गई है फूटना, मैं इसमें डाल देती हूँ हींग। टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी हो आपको हींग डालना है या नहीं, पर अच्छा लगता है, टेस्ट भी और पेट के लिए भी अच्छा होता है। बहुत मामूली सी हल्दी, देखिए राई फूट रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कड़ी पत्ते। 1 सेकेंड लिए बंद किया क्योंकि वो राई जब फूटती ना मेरे हाथों पे गिरती है और मुझे वो जलता है। तो ये हो गया है, धीमी आंच पे कर रहे हैं हम। हल्दी भी हो गई, राई भी हो गई, कड़ी पत्ता भी हो गया, और ये डाल देते हैं हमारी सब्जी। तो मैंने एक बड़ी पत्ता गोभी पूरी बारीक बारीक काटी है, क्योंकि जैसे ही सब्जी बनेगी ना थोड़ी सी हो जाएगी। अच्छे से हम इसे हिला देते हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं, मैंने पत्ता गोभी ज़्यादा डाली है और गाजर कम, तो इट्स टोटली ऑब्वियस आप इक्वल डाल सकते हैं, या गाजर ज़्यादा पत्ता गोभी कम, पर अच्छी लगती है मुझे ये इस तरीके से। तो अपने हिसाब से मैं ऐसे बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको कुकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आप देखना, क्योंकि गाजर मैंने इतनी बारीक काटी है ना, मुँह में जब वो क्रंच आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हल्दी भी बहुत मामूली सी दी है ताकि सब्जियों का जो कलर है वो रहे ज़्यादा। और अगर आपने हरी मिर्च अदरक डालनी है तो पत्ता गोभी और गाजर डालने के पहले आप उसे डालें। मैं अब इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, आपके स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिए इसमें काली मिर्च, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं खूब सारी डालती हूँ। अब मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ इसलिए, क्योंकि जैसे ही आप नमक डालेंगे ना, पत्ता गोभी जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, क्रंचीनेस चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसे मिक्स करके, क्योंकि गाजर है इसीलिए मैं ढक लगा के 1 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि वो गाजर जो है हल्की सी कुक हो जाए। तो मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए ढक के नहीं कुक किया है, गाजर बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। और अब मैं इसे, अच्छा मेरे जब रोटी उतर रही होती है तब मैं सब्जी छौंकती हूँ, क्योंकि फ्रेश बनी हुई में जो मज़ा आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ नमक। तो और मैं जब सर्व करती हूँ ना सब्जी, उसी वक्त कढ़ाई ऑन करती हूँ ताकि गर्म हो, और उसी वक्त डालती हूँ नमक ताकि पानी ना छोड़े। पर अगर आप ओके हैं तो आप पहले भी नमक डाल सकते हैं, और ओके के भैया उसका पानी छूट जाए और वो थोड़ा क्रंचीनेस कम हो जाता है। तो अभी तो गैस ऑन है क्योंकि मैं सर्व करने के लिए रेडी हूँ। मैंने नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स करके मैं फिर से ढक रही हूँ 1-2 सेकंड के लिए, और मैं इसे रोटी के साथ कर दूंगी सर्व। सो ये देखिए, अब कर देती हूँ मैं गैस बंद। अगर आप आई एम नॉट श्योर वीडियो में इतना क्लियरली दिखेगा कि नहीं, सब्जियां जो है ना काफी सॉफ्ट होगी क्योंकि नमक आ गया है, पानी छूटना तैयार हो गया, और ये देखिए कितनी सारी थी और अब कितनी सी रह गई है। बस अब है ना, इसे तुरंत तुरंत रोटी के साथ खाए, ये सूखी सब्जी है। मैं तो रोटी के साथ बहुत इजीली खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, नहीं तो दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, सांभर चावल के साथ, रसम चावल और ये सब्जी हो। ज़्यादा कुकिंग इसे बिल्कुल नहीं करनी है, 2 मिनट के अंदर इसे बनाए खाए और मज़े लें। इट्स नॉट अ सैलड, बट लेकिन वो क्रंचीनेस जैसा ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, कैबेज और पत्ता गोभी का पोरियल। इसमें मैं नारियल वारियल कुछ नहीं डालती हूँ, इंस्टेंटली ऐसे ही बनाते हैं हम।
और बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।